आज जैसे कि एस्पिरेंट गेदर हुआ है, मिनटू बोरांग का बैल हो रहा है, तो आप क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, किस लिए यहाँ पे गेदर हो रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले बता दूं, मैं ताई ताइक हूं और मैं 2013 को ग्रेजुएट हो चुका हूं। पिछली बार मैंने ब्रीफिंग भी दे चुका हूं, तो इस केस को लेके मैं अच्छी तरह जानता हूं कि हमें हो क्या रहा है ना। तो बात ऐसे है कि पेपर लीक इशू शुरू होता है अगस्त 29, 2022 से। जब से कंप्लेन हुआ है तब से मिनोती बोरांग जो पब्लिक रातर में आ चुका था, जब तामा सरो का नाम रिवील हो चुका था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो क्या कर रहा था कि डिले कर रहा था, इवन उसका एफआईआर को भी दर्ज नहीं कर रहा था। डेट इज़ द मोस्ट, मतलब कि बहुत हम लोगों को सबसे बुरा लगा ना, कि एविडेंस आपके पास है, तामा सरो आपका पास है, फिर भी हम लोग को बोलता है कि एविडेंस लाओ। हम एज एस्पायरेंट कहाँ से एविडेंस को लाएगा, सबसे बड़ा एविडेंस आपका पास है ताकि जेरांग और तमाशा होता है, लेकिन भी आप एफआईआर दर्ज नहीं किया, एफआईआर को हम लोग को ही दर्ज करना पड़ रहा है। दैट इज़ ये जो है ऐसा होता है कि हम लोग को ही समझ में नहीं आता कि हर चीज़ हम लोग को ही करना, एफआईआर भी हम लोग कर देगा, नाम भी हम लोग ही लगेगा, सब चीज़ हम लोग करेगा, तो एसआईसी क्या करेगा। ये चीज़ हम पहले एसआईसी को क्वेश्चन करेगा ना। एंड आफ्टर दैट मिनोती बोरांग का अरेस्ट हुआ है अक्टूबर 30 को पब्लिक डोमेन में आया है। हमको लगता है कि ये उसे पहले हो चुका था होगा, बस ये लोग डिले कर रहा था इसका नाम को पब्लिक में लाने के लिए, अपना चेहरा छुपाने के लिए जो है, क्योंकि ये अगर पब्लिक डोमेन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि पब्लिक अप्रोर हो जाएगा, पब्लिक इतना गुस्सा हो जाएगा कि ये तो मुद्दा जो था ए 2022 का था, लेकिन पहुंचा कहाँ, तो 2017 का एपीसीस में आ गया। तो कहीं ना कहीं ये बात जो हम लोग को कटकता है कि किसलिए पब्लिक डोमेन में इसका नाम को बहुत लेटली आने दिया, जबकि पूरा एविडेंस तो आपका पास था ही। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसको दुनिया का कोई इंसान नहीं मानेगा कि तमा सरो इन्वॉल्व है, तो ये मिनोती बोरांग ये पेपर लीक में इन्वॉल्व नहीं है बोल के। तो हम सबसे पहले हमें आया है कि आज मिनोती बोरांग का बेल हेरिंग है, कल और दो कैंडिडेट का भी था। तो आज मेन तो अभी मिनोती बोरांग का केस जो ऐसा है कि यहाँ से पेंडोरा जो खुल जाता है, इतना सारा चीज़ खुल जाता है। ये अभी इशू का हम लोग का जो फाइट है, जो पेपर लीक का जो फाइट है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से इन्वेस्टिगेशन जोरदार करना है। हम लोग देख रहे हैं जो स्नेल पेस जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है ना, इसको हम लोग देख रहा है, ये हम लोग को इतना परेशान कर रहा है ना, रात को सोने भी नहीं दे रहा है, किस लिए इतना लेटली हम लोग का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। राइटली हम मेरा कलीग लोग ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास ताकत जेरंग है, आपके पास और कोई नहीं मिल रहा है ताकत जेरंग जैसे कोई चोर, तो आप उसका केस डायरी को हम लोग को भी थोड़ा बताइए, क्यों ये मैं पब्लिक ये जब सीबीआई जब इंक्वायरी में क्या बोलते हैं, हम लोग को भी थोड़ा बताइए, हम लोग भी जानने मन है। इसीलिए हम यहाँ में आया है कि आज एग्जैक्टली वो केस डायरी में होता क्या है, उसको वो उसका इन्वेस्टिगेशन में हम लोग पार्ट होने मन है। हम पहले भी बोलता था कि हम किसी को भी ट्रस्ट नहीं करता है, हम फिर से बोलेगा कि हम तेचीपुर को ट्रस्ट नहीं करता है, ग्यामर पादंग को ट्रस्ट नहीं करता, अफसो अंशु को क्यों करेगा, अफसो अंशु को नहीं करता है तो एसआईसी को क्यों करेगा, एसआईसी को भी नहीं करेगा तो सीबीआई क्यों करेगा, क्योंकि अभी हम लोग खुद आना पड़ेगा, खुद हर चीज़ को जो भी सिलेक्शन है उसको तीसरा आंख से देखना पड़ेगा, कहीं ये गड़बड़ तो नहीं है, सिस्टम को ही हम लोग क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हाँ भले ही जेन्यून कोई हो देगा, लेकिन हर किसी को देखना पड़ेगा, तभी जाके एक दो कैंडिडेट निकालेगा। आप देख रहा होगा कि जितना हम लोग साइलेंस बैठते हैं ना, उतना ही केस जो है स्लो हो जाएगा, और स्लो हो जाएगा। हम लोग जितना प्रेशर देगा, हम लोग जितना आगे आएगा, आज या मैं अगर नहीं आता ना, मिनोती बोरांग इतना फील नहीं करता, उसका जो क्राइम जो है कितना इफेक्ट हुआ है उसको फील भी नहीं कर पाता। हम लोग यहाँ में आया है तो देखिए, ऑब्वियसली हमको लगा है कि वो थोड़ा हर्ट हुआ होगा, और उसी तरह अभी कोर्ट भी हम लोग का एस्पायरेंट का जो ग्रेवियंसेस है उसको थोड़ा फील करके तो समझेगा कि केस जो कितना सेंसिटिव है, इतना सेंसिटिव है, इसीलिए हम किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये मतलब कि उसका कैरेक्टर को ट्रस्ट नहीं कर, उस बात को नहीं है, बस फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। अरे अरुणाचल में हम बार बार बोल रहे हैं कि देयर आर 60 MLAs, हर कोई इन्वॉल्व होगा तो हर कोई MLA जो है 1-1 करोड़ देगा तो कोई सब बहक जाएगा ना। इसको हम लोग समझना है, पब्लिक लोग ये चीज़ समझना है कि किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना, मतलब क्या है कि इतना लोग हाई प्रोफाइल ये केस है ना कि हर कोई करोड़ में देने के लिए रेडी है, अपना नाम को छुपाने के लिए। इसलिए आप लोग को ही आगे आना पड़ेगा, हर किसी को देखो कि कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व है कि नहीं। तो मेरा ये मानना है कि आज जो या मैं मिनोती बोरांग का जो हेयरिंग है, बेल पिटिशन है, आई नो कि कोर्ट में जो प्रोसीडिंग होता है उसको हम लोग अप्रिशिएट करता है, उसको हम लोग अगेंस्ट नहीं कर रहे हैं। हमें एज ए गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, वी हैव कम हियर जस्ट टू सी द प्रोग्रेस ऑफ द केस। हमें केस का प्रोग्रेस क्या है, हम लोग घर में बैठ के हम फेसबुक में कमेंट करते नहीं रहेगा, केस को हम लोग को कोई भगवान आके नहीं बताएगा कि केस ऐसा हो रहा है। हम लोग को खुद जाना पड़ेगा, खुद फाइट करना पड़ेगा। वो चीज़ के लिए आज हम लोग यहाँ में आया है कि एक्चुअल केस और कैसे रहा है, उसका इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कैसे हो रहा है, कोर्ट में
मिनोटी बोरंग क्या बयान दे रहा है, किसको वो छुपाने के लिए कर रहा है, और वो पेपर लीक हुआ भी तो हुआ कैसे हुआ, क्वेश्चन पेपर उसका बेडरूम तक कैसे पहुंचा, हम लोग को बताना पड़ेगा। ये चीज़ जानना जरूरी है, पब्लिक भी जानना जरूरी है ना कि क्वेश्चन पेपर उसका बेडरूम तक कैसे पहुंचा है, ये चीज़ जानना जरूरी है। उसको हम लोग जान के रहेगा तभी हम लोग समझेगा कि पेपर लीक ऐसा होता है और होके आया है, तो उसी को लेके हम लोग जो है फ्यूचर में ऐसा पेपर लीक नहीं होने के लिए जो SOP के लिए हम लोग बात कर रहे हैं बार बार ना, कि एक होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, वो अलग से होगा, साइड से हो रहा है, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर के लिए भी सोचना है। आफ्टर 5-6 ईयर्स हम एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, लेकिन मेरा जो अपकमिंग जनरेशन, जैसे एक भाई अभी दिया है कि अब तुरंत 22 को ग्रेजुएट, उसका दिल में डिलेमा है कि एग्जाम में एंटर करेगा कि नहीं करेगा, तो वो सब के लिए ही हम लोग आगे आया ना, कि चुप बैठते रहने से नहीं होगा। हम 2014-15 का भी केस को भी अच्छे से मालूम है, 2015 का केस में भी ऐसे हुआ था, आप लोग भी जानना जरूरी है कि पेपर चोर हुआ है, लीक हुआ है, लेकिन चोर कौन है मालूम नहीं है, ये सोचने वाला बात है ना। अभी चलो एक अभी का तो 2022 में तो एक चलो कम से कम एक ताकत जरन जैसे एक चोर तो आया ना, अभी उसको हम लोग को हर एंगल से इन्वेस्टिगेट करना है ना, नॉट जस्ट CBI, इट शुड ऑल्सो इंक्लूडेड इन ED ऑल्सो एंड जुडिशियल इंक्वायरी। जब तक ये तीनों नहीं होगा, साइमल्टेनियसली नहीं होगा, ला केस ऐसे ही दब जाएगा। और हम एस्पिरेंट जो ताकत जरन को ही क्यों कर रहा है, और क्यों मांग नहीं कर रहे कि चेयरमैन लेवल से ही इसको इन्वेस्टिगेशन करना है। राइट, ये तो हमने पहले से ही बोला है कि चेयरमैन लेवल से ही होना चाहिए था, लेकिन हमको समझ में नहीं आया कि चेयरमैन जो है ये CBO से ये सजेशन लेके रेजिग्नेशन दे दिया, अपना मॉरल ग्राउंड में रेजिग्नेशन दे दिया। तो अभी ये जो है ऐसा है ना कि हम लोग को समझ में नहीं आता है, हर चीज़ हम लोग के हाथ में, हम लोग हर चीज़ को कैसे, हम लोग एस्पायरेंट है, हम लोग एग्री दे है, हर केस को हम लोग को कभी कभी समझ में नहीं आता, हम लोग का सोच लिमिटेड रहता है। तो ये क्वेश्चन को कभी कभी हम तो सोचते हैं CM पेमा खांडू को पूछना चाहिए, और आज हम थोड़े से पेमा खांडू सर को विथ रेस्पेक्ट हम पूछना चाहेगा कि आप अपना पर्सनल ग्रजेस को लेके आप किसी इंडिविजुअल पे ED का इंक्वायरी बिताता है, लेकिन ताकत जरंग इतना ये बड़ा चोर है उसका अगेंस्ट में ED क्यों नहीं ला रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। पब्लिक डोमेन में ये जानना जरूरी है, पर्सनल ग्रजेस के लिए आप किसी का अगेंस्ट में आप ED को ला सकता है, ये पब्लिक डोमेन में है, इसको जानना जरूरी है, लेकिन ताकत जरंग के अगेंस्ट में क्यों नहीं ला सक रहा है, क्या बात है, क्या डर है, क्या किस चीज़ को डर रहा है, क्या किसको छुपाने के लिए कर रहा है, ये बात को पब्लिक समझना जरूरी है। और दूसरा बात ये है कि कोई कोई जो यहाँ में कैंडिडेट जो इन्वॉल्व है इस केस में, उसको कैसे पता चल जाता है कि उसका अरेस्ट होने वाला है, बेल पेटिशन पहले से रेडी होता है, ये चीज़ हम लोग को समझ में नहीं आता है। इसको SSCB एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि बिफोर अरेस्ट करने से आने से पहले वो लोग का बस बेल पेटिशन रेडी होकर रखते हैं, मतलब कि क्या है कि उसको पता चल जाता है कि CBI इज कमिंग टू माई डोर, और भागने के लिए एकदम दरवाजा के पीछे में, मतलब कि पूरा अपना करोड़ में पूरा लॉयर को खरीद के रख के पूरा कैसे करके बचेगा, पूरा प्लान रेडी करके रख देते हैं। यस राइट, मैंने पहले से आपको बोला कि हमें किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये एंगल से देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग का केस 2015 जैसे दब जाएगा। कैंडिडेट एस्पायरेंट आप लोग समझना है ये चीज़ को ना, किसी को भी ट्रस्ट मत करो, हमको भी ट्रस्ट मत करो, हर किसी को दूसरा एंगल से देखो, हर किसी को क्वेश्चन करो, जिसको भी मिलता है क्वेश्चन करो कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, आप किसी का हाँ पे हाँ मत मिलाइए कि हाँ ये कर देगा वो कर देगा वो कर रहा है, ऐसे मत रहिए, इस बार आना पड़ेगा, हर कोई आना पड़ेगा। स्पेशली मेरा जो पेरेंट्स लोग है ना, उसको फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि इस पेरेंट्स लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए और आइए क्वेश्चन कीजिए, हम लोग को क्वेश्चन मत कीजिए कि कैसे चल रहा है, अरे जाके SIC एक बार जाके पूछिए ना, हम लोग को ही पूछते रहते हैं कैसे चल रहा है आप लोग का पेपर लीक कैसे चल रहा है, क्या कहाँ तक पहुँच, अरे हम लोग कहाँ से हर जगह पूछते रहेगा, हम लोग तो जस्ट क्या है कि ये है ना एस्पायरेंट है, नहीं कर पाते, हर चीज़ लिमिटेड है, हम लोग का पास सोर्स लिमिटेड है, फाइनेंशियली लिमिटेड है, बस वही कि हम लोग आवाज़ नहीं दबना है, आवाज़ हम लोग का ऊंचा हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग भी कहीं ना कहीं दब जाएगा, पेपर कल कमीशन सेटअप हो जाएगा, एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, या एक भी कैंडिडेट नहीं आएगा, शायद हम आ सकता है, आई कैन गारंटी यू आई विल कम, बट बाकी का क्या गारंटी है, दैट इज द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी दैट वी शुड डू अंडरस्टैंड एज ए कैंडिडेट, कि आवाज़ को दबने नहीं देना, चाहे कुछ भी इशू, चाहे कुछ भी प्रोग्राम हो, मीटिंग हो, आना है, समझना है, अपना वे से समझना है, दूसरा बता रहा है उस वे से मत समझिए, वो आपको झूठ भी बोल सकता है, पेमा खांडू हो, अंशु अपशु हो, वो अपना वे से कहानी को इंटरप्रेट करेगा, लेकिन आपको दूसरा वे से इंटरप्रेट करना, इसलिए बोलता है कि किसी को भी ट्रस्ट मत कीजिए, जब अगर हम ट्रस्ट करने लग जाएगा ना, समझ लो कि हम लोग का केस दब गया, हम लोग को जीते जी मार दिया, ये हम आप लोग को बताना चाहते हैं, जीते जी हम लोग को मार चुका था, और हम लोग को शांति से भी मरने नहीं देगा अगर हम लोग चुप रह जाएगा ना, तो दैट इज माई अपील टू एवरीवन। नया अपडेट क्या होगा, क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं है।
लास्ट जो अपसु अंशु का जो SCM का साथ मीटिंग जो हुआ था उसका माइनस जो मीटिंग आया अप्रिशिएट करता है और हम शोक भी है और सरप्राइज भी है। इतना बड़ा मीटिंग में आपका HCM आता है, आपका होम मिनिस्टर आता है, अपसु अंशु आता है, हमारा चेयरमैन कमेटी तेचीपुरो और कंप्लेन ग्यामर पाधंग आता है। कंक्लूजन में क्या है, सिर्फ दो पॉइंट हुआ, दो पॉइंट के लिए आप इतना बड़ा मीटिंग करता है। और पॉइंट नंबर वन में क्या हुआ कि 2014 से इन्वेस्टिगेट कर देगा, रिकमेंडेशन देगा वाला, और पॉइंट नंबर टू रिक्वेस्ट करेगा वाला। पॉइंट नंबर टू को आप ध्यान से देखिए, ये है डिले टैक्टिक्स। आपको बोलते हैं कि नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ये चीज को डिस्कस करेगा बोलते हैं, समझ में नहीं आते तो कैबिनेट मीटिंग को साथ ही साथ क्यों नहीं कराया। दो पॉइंट के लिए इतना बड़ा मीटिंग कराता है, हम डिससेटिस्फाई है कि हाँ चलो अपसु का जो पॉइंट लोग है कहीं ना कहीं पूरा तो हो दिया, एक्सेप्ट कर देता है कि वहाँ पूरा तो हुआ है, हम लोग का जो डिमांड था पूरा हुआ है, लेकिन वो हम लोग का डिमांड वहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। एक्चुअली वही शाम को हम फिर से रिमाइंड करेगा, वही शाम को 2017 का पेपर लीक भी पर्दाफाश हुआ है, विनोदी बोरा उसी समय में डिस्क्लोज हुआ है कि तब पता चला कि 2017 को ये पेपर लीक हुआ है ना। तो ये अपसु अंशु तो 2017 यही पेपर लीक के लिए था, अभी उस जो जो बन को कॉल ऑफ किया था उल्टा और बड़ा से करना चाहिए था। अरे वो तो सिर्फ यही के लिए था ना, तो 2017 को ये तो APCS, अरे जनता लोग क्या कर रहा है, आपका 2017 में पेपर लीक हुआ है क्यों आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो उसमें अपसु अंशु भी, अगर हम पर्सनली सोचने से अपसु अंशु और जोरदार कर सकता था, और उसका जो वॉइस है ना, डिमांड जो तीन पेज का, तीन या चार पेज का था, 10 पेज का होना चाहिए था, ये मेरा सोच है। कैसे नहीं होगा अभी, क्योंकि 2017 को हुआ है तो कौन सा एग्जाम जो है साफ होगा ना, कौन बोल सकेगा कि अभी जो 2014 चलो 2014 चलो 92 से लेकर अभी तक जितना एग्जाम वाला कौन सा एग्जाम साफ से वाला कोई कमीशन आके बता सकेगा, तब जाके खुलता है ना कि और डिमांड बढ़ना चाहिए ना कि कितना कितना एग्जाम हुआ है, सबका अच्छा से इन्वेस्टिगेट होने वाला, सबको पकड़ना है, जो यहाँ से ट्रांसफर भी हो चुके उसको भी वापस बुला के और डिमांड बढ़ सकता था। ये मेरा है, हम खुश है जो लोग किया है उस बात से खुश भी है, लेकिन डिससेटिस्फाइड भी। हम बार बार बोल रहे हैं कि हर किसी से सेटिस्फेक्शन होकर नहीं बैठना है ना, दैट इज़ नॉट द एंड, दैट वॉज द स्टार्ट ऑफ आवर फाइट। तो यही चीज़ हम बोलना चाहें कि हम लोग का फाइट जो है और आगे बढ़ना चाहिए, और अभी से आज हियरिंग हुआ है और हम लोग का आवाज़ जो और ऊँचा होना है, ये चीज़ हम मेरा एक्सपीरियंस लोग को, क्योंकि एक्सपीरियंस लोग भी लिमिट, हम बार बार बोलते हैं कि लिमिटेड सोच होता है, मालूम नहीं चलता है कि एक्चुअल इन डेप्थ में क्या हो रहा है उसको पता नहीं रहता है। तो इसलिए आज से हम लोग का आवाज़ और जोर होना, हम अपील करते हैं कि आप लोग जब मीटिंग होता है या कुछ ऐसा कुछ इवेंट होता है आप लोग सब आइए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। हम तो इसलिए मतलब आया कि उन लोग के साथ में सॉलिडरिटी सपोर्ट के लिए आए हैं और आगे करते रहेंगे। और एक्चुअली ये जो केस तुबर शेरेस केस है, और ये एक किसी इंडिविजुअल के लिए ये नहीं लारा जा रहा है, किसी फैमिली पार्टिकुलर टारगेट करके नहीं लारा जा रहा है, और किसी पार्टिकुलर मतलब कम्युनिटी के लिए भी नहीं ला रहा है। लोग मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, ये कम्युनिटी के खिलाफ में ज़्यादा आवाज़ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, हम लोग का एक्टिविस्ट और जो सपोर्ट कर रहा है उसको भी काफ़ी बोलने वाला बोल रहे हैं। एक्चुअली ये किसी क्लाइंट कम्युनिटी को हम लोग टारगेटेड नहीं है, वी आर ओनली टारगेटेड अगेंस्ट द करप्ट सिस्टम, करप्ट पीपल हु इन्वॉल्व इन द क्राइम इन करप्शन, उनका खिलाफ में हम लोग लड़ रहे हैं। और मैं जहाँ तक लीगल जो एक्सपीरियंस है एक्टिविज्म लाइफ में बैठ के, अरुणाचल में जो क्राइम करप्शन कर रहा है करने वाला, रियल करने वाला लोग यहाँ में पनिशमेंट नहीं होते हैं। यहाँ में जो जो पनिशमेंट मिल रहा है, कुछ केस रजिस्टर और ट्रेल हो रहा है, वो भी बहुत कमज़ोर आदमी को, गरीब लोग का यहाँ में ज़्यादा चल रहा है। जो बड़ा बड़ा मछली लोग को भी यहाँ नहीं आते हैं, छोटा मछली यहाँ में रोज़ लाइन लगा लगा के ऐसे में आ जाते हैं। तो ये आज का मैटर तो पब्लिक के लिए बहुत मतलब है कि स्टेट चाह रहा है कि ये केस कोर्ट ऑफ जस्टिस मिलना चाहिए। सुनने में आया है कि CBI जल्दी ही ये केस को लेके क्लोज करने वाले हैं, आप काफ़ी टच में रहते हैं CBI के साथ में, सर क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में? CBI का बात तो ये था कि ये केस को वो लोग जल्दी जल्दी चार्जशीट दे देंगे और कोर्ट में भेज देंगे, विद इन फ्यू मंथ्स का अंदर में वो लोग कोर्ट में पेपर ले केस का केस इश्यू को लेके वो लोग कोर्ट में भेज देंगे, ऐसे बोल रहे थे केस आईओ ने। और स्पेशली डिसप्रोपोर्शनेट एसेट को तो वो लोग इंक्वायरी नहीं करेगा, क्योंकि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इंस्ट्रक्शन होना पड़ेगा, नोटिफिकेशन आके डायरेक्शन देना पड़ेगा, उसके लिए अलग से केस होना है, ये बात है। तो मैं तो चाह रहा है कि एक्चुअली यहाँ में जो अभी पब्लिक सर्विस कमीशन में जो क्राइम करप्शन हो रहा है, सोर्स ऑफ क्राइम को जानना चाहिए सिस्टम को भी और एजेंसी को भी, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CBI बोलो SIC बोलो,
गवर्नमेंट बोलो, सोर्स ऑफ क्राइम करप्शन क्यों हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। पैसा के लिए किया, दंड अलर्ट के लिए किया है, जमीन के लिए, बिल्डिंग के लिए किया है, अपना परिवार फैमिली को बहुत ऊंचा तक ले जाने का वो काम किया है, लव लालची में काम किया। तो उसको तो अभी सीबीआई जस्ट कोई भी एजेंसी है, पुलिस इंक्वायरी जो करने वाला, जस्ट पेपर लीकेज का केस को तो ऑलरेडी क्रैक हो चुका है। पेपर लीकेज केस को सोल्व ऑलमोस्ट, मतलब जो पर्टिकुलर जो पर्सन जो रेड हैंडेड पकड़ा वाला को तो अरेस्ट किया गया साथ स्टेट पुलिस ने, फिर स्टेट पुलिस से SIC में ट्रांसफ़र किया, SIC से अभी CBI में ट्रांसफ़र किया। पब्लिक का सोच ये था कि CBI बड़ा बड़ा मछली को पकड़ेगा और ये जो स्टेट पुलिस लोग छोटा मछली सिर्फ पकड़ता है, बड़ा को धरता है, तो पब्लिक यहाँ में थोड़ा भरोसा टूट रहा है मैं जहाँ तक सोच रहा है। और उन लोग को अभी डेप इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, स्पेशली जो डिसप्रोपोर्शनेट एसेट कोई इंक्वायरी करके डिटेल वेरीफाई और उसको इन्वेस्टिगेशन करने से ही माने कोर्ट में वो जो जितना भी माने एविडेंस कलेक्ट किया, जो जमा किया है एसेट को, वो कोर्ट में काम आएगा, वो एविडेंस आएगा, सपोर्टिंग बैकअप एविडेंस में कोर्ट में आएगा। कोर्ट में तो आने से बिना एविडेंस का कोर्ट में तो काम नहीं होगा, यहाँ केस ऐसे जल्दी क्रॉस हो जाएगा।